टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिजी न्यूज पर। आज की टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। भारत में नेस्ले के दो सबसे ज्यादा बिकने वाले बेबी फूड ब्रांडों में बड़ी मात्रा में एडेड शुगर या कहें अतिरिक्त चीनी मिली होने का खुलासा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी सांसद महेश शर्मा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मोदी योगी को अपना नहीं समझता वो अपने माँ बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मिशन आप 13/0 शुरू करेंगे। सभी कैंडिडेट्स के साथ चुनावी संग्राम का आगाज करेंगे। ये आगाज शाम 4 बजे किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले भी नारा पंजाब बनेगा हीरो मिशन आप 13/0 दिया था। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आप जनता हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। मैंने सोचा चुनाव का समय है, मैं आपसे थोड़ी सी सीधी बात कर लूं। ये आम चुनाव नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। जम्मू कश्मीर के डोडा में लोकसभा चुनाव 2024 के चरण एक के लिए दूरदराज के इलाकों में कुल 529 मतदान दल भेजे गए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में उधमपुर लोकसभा सीट पर मतदान कराया जाएगा। आम चुनाव के चौथे चरण के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। चौथे चरण में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर की 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। असम में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने कहा कि मतदान के लिए स्टेट पूरी तरह से तैयार है। पहले चरण में हमें लगभग 86,47,000 मतदाता मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। शाह अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में कल सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार और धुआंधार रोड शो करेंगे। गृह मंत्री ये रोड शो अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे। इंडोनेशिया के रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट से बड़े क्षेत्र में राख फैलने के बाद बुधवार को सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। अधिकारियों ने 11,000 से ज्यादा लोगों को इलाका छोड़ने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बेमौसम बारिश के कारण एक सप्ताह में 10 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के कारण 150 पशुओं की भी मौत हुई है। मायावती गठबंधन की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार और उनकी ननद व NCP SP उम्मीदवार सुप्रिया सुले आज बारामती लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच कई सीटें हैं जहां एकनाथ शिंदे बीजेपी और अजित पवार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। भारतीय शेयर बाजार की आज गैप अप ओपनिंग यानी बढ़त के साथ शुरुआत हुई है। कल रामनवमी के अवसर पर शेयर बाजार बंद था और एक दिन के अवकाश के बाद बाजार में तेजी के साथ कारोबार की ओपनिंग हुई है। रोहित शर्मा ने IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी। अब वह एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए तैयार है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।